सो हे गाइस, दिस इज cyberishi बैक हियर विद द न्यू वीडियो। सो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, 21 दिन का लॉकडाउन है, सब लोग अपने घर के अंदर होंगे, वीडियोस देख देख के पक चुके होंगे, बहुत बोरियत का हाल चल रहा है यहाँ पे। सो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। इंटरेस्टिंग मतलब आज हम सोशल इंजीनियरिंग और उसके बाद ये एक टूल है, उसके बाद गूगल मैप्स, इन दो तीन चीज़ों को लेके किसी एक इंसान की लोकेशन को निकालेंगे। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें नहीं मिल पाएगी, बट बहुत आसपास की लोकेशन हम लोग निकालेंगे उस इंसान की भी जिससे आपने ज़्यादा बात भी ना करी हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, उसके बाद आप ये सब ट्राई कर सकते हैं, किसी पे भी आपकी मर्ज़ी है। सो और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो करना, तो ये वाला टूल बाद में काम आएगा, पहले हम लोग सोशल इंजीनियरिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कहाँ काम आने वाली है। सो मान लीजिए आपने लिंक जनरेट कर लिया, जो कि हम यहाँ से भी जनरेट करना सीखेंगे। लिंक जनरेट करने के बाद आपको सेंड करना पड़ेगा। सो दोस्तों पे क्या ही सेंड करें, कोई नए इंसान को हम लोग सेंड करेंगे, देखेंगे कि वो क्या, वहाँ से क्या बातें चलती हैं हमारी। सो उसको जब हम लिंक देंगे तो वो बंदा 90% चांस है कि क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आजकल इन पे क्लिक करने से क्या हो जाता है। कोई बोलेगा हैक हो जाता है, कोई बोलता है कि फेसबुक पे वो फिशिंग पेज वगैरह, वो सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो लोग नहीं करते क्लिक। तो सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम आएगी, आप थोड़ा सा उसको भरोसा दिलाएं कि देख यार ऐसा नहीं है, कोई हैकिंग वैकिंग का नहीं है। सो यहाँ पे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। इसमें यह है कि एंटर अ वैलिड URL और ट्रैकिंग कोड। तो यहाँ पे हम लोग URL डालेंगे, जैसे मैं भी यहाँ पे अपने चैनल का URL डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे करा कॉपी और यहाँ पे मैंने करा पेस्ट। सो बेसिकली क्या करेगा, क्रिएट URL, मैंने इस पर जब क्लिक करा सो एक URL बना देगा जो मैं अपने दोस्तों को या फिर किसी को भी सेंड करूँगा। सो ये आ गया यहाँ पे, आई एग्री एंड क्रिएट URL। उसके बाद वो URL, पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे, ये वीडियो बना नहीं देगा वरना हमें। ट्रैक्टर, सो ये ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर, ये रहा ट्रैक्टर, वेरीफाई आई होप हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे ये बन चुका हमारा ट्रैकिंग एंड लॉग्स इंफॉर्मेशन। सो ये रहा हमारा URL जिसको हम लोगों को भेजेंगे। तो उस पे क्या होगा, जब वो बंदा इस URL पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट कर देगा उसे मेरे YouTube चैनल पे। सो मैं अभी इन केस मान लो किसी को सेंड करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि प्लीज़ ये मेरा चैनल का लिंक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो वो बंदा बोलेगा चलो मैं करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैं, वो जानता है कि मैं, हाँ मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ। तो वो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा, मैंने अब इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, ये मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी देर में रीडायरेक्ट हो जाएगा, नेट की स्पीड और अच्छी हुई तो ये और जल्दी रीडायरेक्ट हो जाएगा और हो गया मेरे पेज पे रीडायरेक्ट, तो उसको लगेगा हाँ ठीक था। अब अगर आप बोल सकते हैं कि यार ये फेसबुक का लिंक है या फिर आपकी अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक, और अभी तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा क्रूशियल चल रहा है तो आप और कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ये देख इतने लोगों की रिपोर्ट्स आई हैं, या फिर ये देख यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके ये एक न्यूज़ का लिंक है, तो आप करके उसको भेज सकते हैं, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक कर चुका था, तो यहाँ पे अभी मेरी इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गई होगी। तो जब मैंने रिफ़्रेश करा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई, ये आ गई डेट, आईपी एड्रेस उसको मिल गया, कंट्री बता दी, यूज़र एजेंट बता दिया, सब कुछ बता दिया जिसकी चीज़ को हमें ज़रूरत थी। सो इससे एक फ़ायदा होता है कि कंट्री उसने बता दी, इनकेस आप किसी बाहर के बंदे से बात कर रहे हो उसकी भी लोकेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आईपी एड्रेस हमें मिल चुका है और आईपी एड्रेस और ये होस्ट नेम सेम ही है। उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो भी हमें मिल चुका, जो कि एयरटेल का है क्योंकि मैं हॉटस्पॉट लेके अपना नेट चला रहा हूँ। सो यहाँ पे अब हमारा काम होगा इस आईपी का। सो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब तीसरा या चौथा स्टेप होगा ये, कोई भी हम आईपी लोकेटर, आईपी लोकेशन, जैसे ये आ गया कोई सा भी हम लोग उठा सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, और हम यहाँ पे आईपी उठा के पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आईपी लोकेशन मैं डाल चुका और ये खुल गया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे आईपी लुकअप। आईपी लुकअप करने के बाद ही हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा, उसका भी एक हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। सो थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है ये कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो इतनी सारे लोगों में बढ़ चुकी है। सो ये आ गया हमारा आईपी, ये 95 ही था, एक सेकंड में दोबारा चेक कर लेता हूँ, 192.95 था। सो ये हमारा आ गया ISP वगैरह, इसने फिर से हमें बता दिया। अब हम क्या करेंगे, ये इसने दे दिया हमें यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमें पेस्ट करना पड़ेगा मैप में। तो हम लोग करेंगे गूगल मैप,
गूगल मैप का भी काम है इसके अंदर। सो गूगल मैप से ही हमें पता लगेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो मैप को ओपन हो जाने देते हैं, वीडियो को मैं थोड़ा या तो फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा या फिर हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्लो है अभी इंटरनेट। सो गूगल मैप ओपन होने के बाद जो इसने हमें हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया था वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा एक कॉमा लगा के, पहले लैटिट्यूड फिर लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक सर्च कर देगा जो कि दिल्ली के अंदर की लोकेशन है। अगर आप दिल्ली से हैं तो जानते होंगे करोल बाग, पहाड़गंज और ये सब, तो ISP की लोकेशन उसने हमें दे दी है। सो हमें पता लग गया, वैसे यहाँ से ही हमें पता लग गया था कि रीजन दिल्ली है, बट ISP की लोकेशन हमें यहाँ से एकदम साफ साफ पता लग गई। उसने यहाँ पे हमारे लगा के दे दिया अपना जो रेड रेड होता है लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। सो ऐसे करके आप किसी की भी लोकेशन निकाल सकते हैं। सो घर पे आप खाली बैठे हैं, सबसे पहली बात कि घर पे ही रहें। अब आप एक काम कर सकते हैं कि सबको ये वाला लिंक सेंड करें, अपना लिंक बना के सेंड करें, उसके बाद आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर आप लोकेशन निकाल सकते हैं। और ये उन लोगों पे ही एप्लीकेबल होगा जिनकी आप लोकेशन नहीं जानते हैं, तो वो लोग सोचेंगे कैसे निकाल ली ये वो। तो ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक ही मान सकते हैं हम लोग इसको, जो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप पसंद आई हो। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बाहर गाड़ी की आवाज़ को इग्नोर करें, और करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म।